जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो जितने भी लड़के लड़कियां इंतज़ार कर रहे थे आसाम राइफल की नई भर्ती की, तो आ चुकी है। ठीक है, इसकी वेबसाइट खोलेंगे, यहां नोटिफिकेशन बार में आएंगे। ठीक है, तो यहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां से पीडीएफ ओपन करेंगे तो इस भर्ती की पूरी जानकारी आप खुद लाइव देख सकते हैं। चलिए मैं पहले इस भर्ती के बारे में आपको बता देता हूँ। ऐसे कि हालांकि आपको लोग पता होगा कि हर साल कम से कम 3 महीने 4 महीने पे आसाम राइफल की एक नई भर्ती आती रहती है, सिर्फ जीडी कांस्टेबल को छोड़ के। क्योंकि जो जीडी कांस्टेबल आसाम की कांस्टेबल की भर्ती होती है वो एसएससी के थ्रू कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, एसएससी की भर्ती आती है उसमें जीडी की कांस्टेबल की भर्ती रहती है। उसको छोड़ के ट्रेडमैन की जितनी भी भर्ती हो गई आल ट्रेड की, ठीक है, टेक्नीसियन की जितनी भी भर्ती हो गई आल ट्रेड की, ठीक है, आईटीआई डिप्लोमा जो भी रहता है, और कांस्टेबल में कुक बार बार जो भी रहता है, सफाई कर्मचारी का, और उसके बाद स्पोर्ट्समैन की जो भी भर्ती हो गई, वो सारी भर्ती आसाम राइफल की जो होती है वो अलग से आती हैं, हर 2-3 महीने पे आती हैं। और लड़कों को पता नहीं चल पाता है, लड़कियों को, और वो उसका फॉर्म नहीं भर पाते हैं, इसी कारण वो भर्ती से अचूक रह जाते हैं। तो उसके लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कॉर्नर में बेल आइकन बनेगा, प्रेस करके ऑन नोटिफिकेशन पे दबा दें ताकि ऑल गवर्नमेंट डिफेंस की अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले बता दूं, ये जो भर्ती आई है इसका फॉर्म भरा जाना स्टार्ट हो चुका है। 30 जून को नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई थी, लेकिन जो इसका ऑनलाइन है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन मोड, यहाँ पे आसाम राइफल फॉर दिस रिक्वायरमेंट 30 जून को रिलीज़ हुई है। अप्लाई अप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम ऑनलाइन मोड, ठीक है, ऑनलाइन मोड, यहाँ पे 1 जुलाई से फॉर्म भरा जाएगा और आपका 30 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं। मतलब पूरा 1 महीना फॉर्म भरे जाने वाले हैं, आज आपकी 12 जुलाई है, ठीक है, और आपको आई थिंक कि 7 तारीख को इसका एडमिट कार्ड का भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और इसकी तैयारी आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले बता दूँ, रिक्वायरमेंट का नाम है आसाम राइफल मेमोरियल स्पोर्ट्समैन रिक्वायरमेंट रैली 2023। ये जितने भी स्पोर्ट के कैंडिडेट हैं, जिनके पास भी स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है, नहीं है तो किसी संस्था से जुड़े हैं तो बनवा सकते हैं, उनके लिए है। सबसे फुटबॉल जो लड़का खेलता है उसके पास सर्टिफिकेट है तो ये इस पोस्ट पे भर्ती है। फीमेल के लिए भी, अगर स्पोर्ट की कोई लड़की है तो उसके लिए ये भर्ती है। एथलीट्स में लड़के लड़कियां दोनों के लिए भर्ती हैं। रनिंग जो है आपको वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। रमिंग में है, प्लेबैक में है, क्रॉस कंट्री में है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आर्ची में है, जो भाला फेंकने वाले होते हैं, एक एक वैकेंसी है सबके लिए, लड़के लड़कियों के लिए। बॉक्सिंग में है, लड़के लड़कियाँ दोनों के लिए हैं सीटें, ठीक है। स्पीकर में है, ठीक है, बैडमिंटन में है। इन सारे ट्रेडों में आपकी टोटल जो वैकेंसी है 81 वैकेंसी आई है, ठीक है, लड़के लड़कियाँ दोनों इसमें शामिल हैं, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको आसाम राइफल की वेबसाइट पे ही जाके करना है, सबसे नीचे आएंगे तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन करें, यहाँ पे आप आवेदन करें, इसे इंग्लिश में करेंगे, भर्ती में होने के लिए शामिल होने के लिए आवेदन करें, तो यहीं पर ऑप्शन नीचे आपको दिख जाएगा। उसके बाद नीचे आ सकते हैं। अप्लाई करने के बाद ये इसकी फ़ीस जो है मात्र 100 रुपये रखी गई है सभी ट्रेड के लिए, ठीक है, नॉन रिफंडेबल, ये रिटर्न नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। या आप, और ये आपका डिपॉजिट करने का है, इसमें भी चालान बनवा के भी डिपॉजिट कर सकते हैं। ये आसाम राइफल के अकाउंट नंबर वगैरह हैं। रिक्वायरमेंट जो है 18 से 23 साल के लड़के लड़कियों के लिए है। छूट जो एक्स्ट्रा शामिल है 5 साल के लिए एससी एसटी के लिए, 10 साल के लिए जो भी ओबीसी एससी के लिए 5 साल, एससी एसटी के लिए 10 साल छूट शामिल है। स्पोर्ट क्वालिफाइड आपका जो भी है, नेशनल सर्टिफिकेट या इंटरनेशनल जो भी है, इसमें लगा सकते हैं, आपने जो भी किया है तो यहाँ चेक कर सकते हैं अपने सर्टिफिकेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे इंटरनेशनल कैंपेन, नेशनल कैंपेन, ये भी जो भी आपने अवार्ड वगैरह जो भी आपको मिला है, सर्टिफिकेट है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एज से रिलेटेड 18 से 28 है जनरल ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 18 से 33 साल है, इस बात का ध्यान है। ये है रियल एज छूट मिलने के बाद, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, आपकी हाइट वगैरह तो सब ठीक ही होगी, स्पोर्ट के कैंडिडेट हैं तो। ये आपका फिजिकल होगा ऑल ट्रेड के लिए है, ऑल ओवर इंडिया के लिए। 170 सेंटीमीटर हाइट, 157 सेंटीमीटर लड़कियों की, 80 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट, 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा लड़कों को। और ये ऑल कैंडिडेट ऑफ बिलोंग फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट, तो इनके लिए छूट रहती है। नीचे आ जाते हैं, वेट वगैरह का कोई वो नहीं है। और नीचे आ जाते हैं, आईज मेडिकल आपकी 6x6, सब कुछ क्लियर रहना चाहिए, ठीक है।
अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, एलिजिबल नहीं हैं, आपका कोई दोस्त है तो उसको ये वीडियो शेयर कर दो, और आसाम राइफल का ये प्रॉपर मोबाइल नंबर, इस पर कॉल करके भर्ती की भी कन्फर्मेशन आप ले सकते हैं। ये उनका ईमेल है, ईमेल कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर है। पे स्केल 7th लागू है, यानी 40-50-60 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी होगी, लाखों में जाके ख़त्म होगी। ये जानकारी आप लोग को आई होप अच्छी लगी होगी, फटाक से अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और कोई ट्रेडमेंट टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है तो आप लोग को सूचना दे दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।